भोपाल से खबर, जहां मध्य प्रदेश में आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक होगी। सुबह 11 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की अध्यक्षता में इस बैठक में अलग अलग विषयों पर बैठक में चर्चा होगी। समर्पण निधि संग्रह अभियान पर चर्चा होगी, अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा होगी, पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रमों को लेकर भी मंथन होगा। त्रिदेव प्रशिक्षण वर्ग सहित आगामी कार्यक्रमों पर पार्टी के नेता चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सीएम शिवराज भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक से जुड़ी अपडेट्स के लिए हम रुक करेंगे एक बार फिर आकर्ष शर्मा हमारे सहयोगी का, हमारे साथ बने हुए हैं। आकर्ष, बड़ी बैठक आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय में होना है, क्या एजेंडा रहेगा? 2023 की तैयारी में बीजेपी जो है जुट गई है, और यही कारण है कि आज 11 बजे बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णु दत्त शर्मा हों, या बीजेपी सरकार के जो मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान हों, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव हों, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश हों, तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं वो इसमें जुड़ेंगे। और साथ में जिला स्तर से लेकर जिला अध्यक्ष की बात करूँ, जिला पदाधिकारियों की बात करूँ, जिला स्तर से तमाम लोगों को पार्टी कार्यालय तलब किया गया, बुलाया गया है, यानी कि तमाम जो छोटे कार्यकर्ता हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। जो पहले बैठकों में जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसका फीडबैक लिया जाएगा कि जमीनी स्तर पर उस पर क्या कार्य किए गए। उसके बाद जिस तरीके से आगामी रूपरेखा है, जो आगामी कार्यक्रम है बीजेपी पार्टी के, उसको लेकर क्या तैयारी की जा रही है। बूथ विस्तारक की बात करें, समर्पण निधि की बात करें, जिसको बीजेपी लगातार फोकस कर रही है बूथ स्तर पर। त्रिदेव जो मुख्य रूप से बीजेपी पार्टी का एजेंट, बीजेपी का कार्य है कि वहाँ पर 3 जो कार्यकर्ता एक बूथ पर तैनात किए जाएं, तो इस पर तमाम जो कार्यक्रमों की बात करें, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई जाएगी, इसी को लेकर आज काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। 2023 की बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है, चौथी बार की सरकार बीजेपी की है, तो ऐसे में लगातार महंगाई की बात हो या फिर आदिवासियों की बात हो, ओबीसी की बात हो, लगातार सत्ताधारी पार्टी को घेरने की अपोजिशन कोशिश करती है। ऐसे में इन तमाम चीज़ों को जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जमीनी स्तर पर किस तरीके से तैयार रहे, आगे आगामी 2023 के चुनाव में इसका कोई असर ना पड़े, तमाम चीज़ों को लेकर आगामी रणनीति आज बनाई जाएगी। और आज की बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश जो हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा या प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के द्वारा और शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे, जो आगामी कार्यक्रमों को लेकर हों और पार्टी को मजबूती जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। चलिए, इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। बहुत शुक्रिया आपका आकर्ष, इस बातचीत के लिए, तमाम जानकारी हमें साझा करने के लिए हमारे साथ।